हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आमना फ्रॉम लविंग स्कूल केपीएस कॉन्वेंट। सो आवर स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग यू डिजिटल क्लासेस बिकॉज वी बिलीव इन आवर स्कूल विजन, दैट इज़ टू एजुकेट अ चाइल्ड फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडे वी विल स्टार्ट अवर क्लास विद चैप्टर वन ऑफ पॉल साइंस ग्रेड 12, दैट इज़ द कोल्ड वॉर एरा। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर, कि हम इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। So objectives of this chapter is introduction, Cuban Missile Crisis, the emergence of two blocs, arenas of the Cold War, challenge to bipolarity, NIEO, India and the Cold War. Introduction. तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका क्या परिचय है, हम बताते हैं। तो इसके लिए हमें उन घटनाओं को याद करना पड़ेगा जो इससे पहले हुई थी, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ। सबसे पहली घटना हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो 1914 से 1918 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई तो उसके अलायंसेस में, हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई है, 1914 टू 1918। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई है, 1939 टू 1945 तक की हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई है। अब ये कैसे हुआ, हमारा मेन रीज़न कोल्ड वॉर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही हमें मिलेगा सबसे पहला रीज़न। तो आइए पहले हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ते हैं, आफ्टर दैट हम कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे जो 1945 से 46 के बीच में शुरू मानी जाती है, जो कि 1991 तक लास्ट करी थी। ये हॉट वॉर नहीं बनी थी, और क्यों नहीं बनी थी, इसमें क्या हुआ था, आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम शुरुआत करते हैं ये कोल्ड वॉर कहाँ से शुरू हुई, तो उसके लिए जानने के लिए हमें सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जाना होगा। सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 टू 1945 में हुई थी, ये दो फोर्सेस के बीच में हुई थी, या आप कह लो दो गैंग के बीच में हुई थी, या दो पावर्स के बीच में हुई थी। एक का नाम था अलाइड फोर्सेस और एक का नाम था एक्सिस पावर। अब जो दो गैंग है तो उनके मेंबर्स भी होंगे, तो हम उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज अलाइड फोर्सेस। तो अलाइड फोर्सेस में कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब रशिया से नहीं है, यूएसएसआर उस टाइम पे सोवियत यूनियन कहलाता था, जिसमें रशिया प्लस 14 कंट्रीज थी जो उसके अंडर आती थी, जुड़ी हुई थी, तो वो यूएसएसआर कहलाता था। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस ही थे, यूएसए यूएसएसआर एलाइड फोर्सेस में नहीं थे। पर जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पे अटैक किया और जापान ने यूएसए पे अटैक किया, तो वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गए। अब इससे पता क्या चलता है कि हमारे जो दूसरे फोर्सेस थे, दैट इज एक्सिस फोर्सेस, उनमें एक्सिस पावर्स, उनमें तीन मेंबर्स थे, उनमें से दो के नाम तो आपको पता लग ही गए होंगे, जर्मनी एंड जापान, एंड तीसरा था इटली। ये तीन मेंबर्स थे जो हमारे एक्सिस पावर्स में थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो जब वो ख़त्म हुई तो उसमें एक जो ब्लॉक था या एक गैंग था वो जीत गया। अब जो दो गैंग थे वो थे अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर। अब उन दोनों में से कौन जीता, अलाइड फोर्सेस, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर विनर थे। अब वो क्यों थे और क्या हुआ और कैसे कोल्ड वॉर का जन्म हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड कैसे हुई और अलाइड फोर्सेस विनर कैसे बने, इसका आंसर है यूएसए ने जब जापान पे अटैक किया न्यूक्लियर बॉम्ब से 1945 अगस्त में, हिरोशिमा, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पे उसने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, जिसका नाम उसने कोड नेम रखा था। हिरोशिमा पे भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था उसका नाम था बिग बॉय, एंड नागासाकी में जो था उसका नाम था फैट मैन। जब ये गिराए तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, क्योंकि जापान इतना डैमेज हो चुका था, इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका था कि वो दोबारा उसके सामने खड़ा नहीं हो पाया। कुछ लोगों का कहना है कि जापान सरेंडर करने को रेडी था और अमेरिका ने जानबूझ के उस पर बॉम्ब गिराए थे ताकि वो अपने आप को पावरफुल दिखा सके, बट कुछ लोगों का ये मानना है कि उस टाइम पे यूएसए का बॉम्ब गिराना ज़रूरी था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था एंड हो रहा था। अगर यूएसए वहाँ पे बॉम्ब नहीं गिराता तो ये डिस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होता, बट एनी हाउ यूएसए ने बॉम्ब गिराया और डिस्ट्रक्शन हुआ, बट वो जापान में हुआ रैदर देन कहीं और हुआ, बट तब भी ये डिस्ट्रक्शन था, और जिससे कहानी को एक नया मोड़ मिला। हमारे पास एलाइड पावर्स एज ए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर सामने आए, बट अब विनर सामने आए तो इनमें दो सुपर पावर्स कैसे बचे, जबकि एलाइड पावर्स में तो चार थे ना, ब्रिटेन, फ्रांस
यूएसए यूएसएसआर, तो यूएसए यूएसएसआर कैसे बचे, ब्रिटेन और फ्रांस का क्या हुआ, आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो जो हमारी विनर थे अलाइड फोर्सेस, उनमें जो हमारे दो मेंबर्स थे जिनका नाम था ब्रिटेन और फ्रांस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने बहुत कुछ खोया। डिस्ट्रक्शन इतना हुआ कि उनकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, उनकी मिलिट्री पावर इतने ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी कि बहुत कमज़ोर हो गई। तो जो कमज़ोर है वो सुपर पावर बन ही नहीं सकते, तो जिनकी मिलिट्री और इकनॉमी स्ट्रांग थी वो दो थे जिनका नाम था यूएसए एंड यूएसएसआर। बट जब यूएसए ने जापान पे हमला किया, कुछ लोग कहते हैं वो इसलिए ताकि यूएसएसआर उसे अपने में ना मिला ले, तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक लाइन सी खिंच गई। भले ही वो एक ही अलाइड फोर्सेस में थे बट वो एक दूसरे से चिढ़ने लगे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दो सुपर पावर बची थी और एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती, दो सुपर पावर दो गैंग एक जगह रह नहीं सकते, दो गुंडे रह नहीं सकते, तो उनमें से एक को रहना था, तो दोनों के बीच में होड़ लग गई पावर को शो करने की। तो यहाँ से हमारी दो सुपर पावर्स निकल के आई जो थी यूएसए एंड यूएसएसआर। ब्रिटेन और फ्रांस की तो इकनॉमी और मिलिट्री डाउन होने से वो नॉर्मल ख़त्म ही हो गए एक तरीके से, वो सुपर पावर्स की रेस में थे ही नहीं, सिर्फ दो जने थे वो थे यूएसए एंड यूएसएसआर। अब इन दो फोर्सेस के बीच में कोल्ड वॉर की शुरुआत यहीं से हो जाती है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर यहीं से शुरू होता है कि जब दो सुपर पावर होती तो उनके बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई। वो कैसे शुरू हुई, सबसे पहला मुद्दा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अमेरिका और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क था, दोनों एक डिफरेंट आइडियोलॉजी को लेकर चलते थे। लाइक अमेरिका जो था वो कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी को लेकर चलता था, जबकि यूएसएसआर कम्युनिज्म को लेकर चलता था। अब इनमें डिफरेंस क्या था कि कैपिटलिज्म एंड लिबरल डेमोक्रेसी में मतलब कि हर किसी को अपना व्यापार करने की आज़ादी थी, हर कोई अपना बिजनेस करता था, अपना प्रॉफिट जितना होता था उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस का सिस्टम चलता था, डेमोक्रेसी थी एक तरीके की। बट कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी नहीं थी, वन पार्टी डोमिनेंस था, एक ही सरकार चलती थी और स्टेट की प्रॉपर्टी थी सब कुछ, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। जैसे फ्यू एग्जांपल्स आपको याद दिए गए, अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसमें फ्री इलेक्शन थे, यहाँ पे नो इलेक्शन और फिक्स्ड, क्योंकि यहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस था। सोवियत यूनियन में वन पार्टी डोमिनेंस था इसलिए यहाँ पे कोई इलेक्शन होते नहीं थे, बट अमेरिका में फ्री इलेक्शन थे मतलब मल्टी पार्टी थी, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज थी तो वो अपना इलेक्शन करते थे। अमेरिका डेमोक्रेटिक था और सोवियत यूनियन था वो ऑटोक्रेटिक था और डिक्टेटरशिप थी, किसी एक के हाथ में पावर थी। अमेरिका कैपिटलिस्ट था, सोवियत कम्युनिस्ट था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अमेरिका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था और सोवियत यूनियन का था एवरीबॉडी हेल्प्स एवरीबॉडी, यानी जो सब अमेरिका क्या चाहता था कि जो सर्वाइव कर सकता है वो फिटेस्ट है, बल्कि कम्युनिज्म का मानना था कि एवरीबॉडी हेल्प्स एवरीबॉडी, हर कोई हर किसी की हेल्प करेगा। अब अमेरिका कहती है रिचेस्ट वर्ल्ड पावर और सोवियत यूनियन का पुअर इकोनॉमिक बेस था, उसका जो इकोनॉमिक बेस था वो बहुत ही पुअर था। अमेरिका में पर्सनल फ्रीडम थी एंड सोवियत यूनियन में सोसाइटी कंट्रोल बाय द सीक्रेट पुलिस, सीक्रेट पुलिस द्वारा सोसाइटी को कंट्रोल किया जाता था। अब अमेरिका में फ्रीडम ऑफ मीडिया थी पर सोवियत यूनियन में टोटल सेंसरशिप थी, वो अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनते थे, वहाँ पे कोई भी मीडिया को आज़ादी नहीं थी। सो ये आइडियोलॉजी का फ़र्क ही उनके बीच में कभी बना नहीं पाया और इस वजह से अब हम आगे पढ़ते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में कि वहाँ उस टाइम पे हुआ क्या था। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कैसे हुआ, अप्रैल 1961 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि क्यूबा जो था वो अमेरिका के पास का एक छोटा सा देश था जो यूएसएसआर के अंडर था। नोटिस करने वाली बात है कि वो यूएसए के पास था, देश के पास, नीचे जैसे आप मैप में देख सकते हैं, बट वो किसका मेंबर था, वो यूएसएसआर का मेंबर था। तो अब यूएसएसआर के दिमाग में ये आया कि कहीं अमेरिका इस पे हमला ना कर दे, इस पे अपना बेस ना बना दे, तो उसने क्या करा कि अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लांट कर दी कोस्ट लाइन पे। अब ये अमेरिका को अभी नहीं पता था, अमेरिका को ये 3 हफ्ते बाद यानी 21 दिन के बाद पता चला कि यूएसएसआर ने ऐसा कुछ किया है और वो बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील कर रहा था, क्योंकि अगर एक भी मिसाइल जाती अमेरिका का मैनहैटन सबसे पहले
और पूरे अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतने पास लगी हुई थी कि ऑब्वियसली किसी भी कंट्री के लिए टेंशन में होना, क्रिएट होना जायज़ है। तो अब उसके बाद क्या हुआ, अमेरिका ने ना ओशन बॉर्डर बना दी। उसने बोला कि अगर रशिया से, अगर यूएसएसआर से एक भी शिप उनकी तरफ आई, उन्होंने इस बॉर्डर को क्रॉस किया, तो वो समझेंगे, इसे सीरियसली लेंगे और वो इसे वॉर समझेंगे, फिर वॉर शुरू हो जाएगी। अगर वो कोई भी इस तरफ आया तो उसका मतलब ये है कि वो वॉर चाहते हैं, तो फिर वो अमेरिका भी वॉर शुरू कर देंगे। बट जो प्रेसिडेंट थे, यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, यूएसएसआर के निकिता खुर्शेव, क्यूबा के थे फिदेल कास्ट्रो और यूएसए के थे जॉन एफ कैनेडी। तो उन्होंने क्या था, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि तीनों ने सोचा कि न्यूक्लियर वॉर से किसी का भला होना है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जापान में जब हमने डिस्ट्रक्शन देखा है तो न्यूक्लियर वॉर से तो कुछ बचता नहीं आगा, और वैसे भी नहीं बचता। कैसे बचता, अगर आप एक मिसाइल लॉन्च करते तो सामने वाला भी तो लॉन्च करता ना, दो यूएसएसआर और यूएसए दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो उन्होंने उस वॉर को कोल्ड वॉर रहने दिया, हॉट वॉर नहीं बनाया। अब इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी राइवलरी ख़त्म हो गई, नहीं, बट उन्होंने इसको कोल्ड वॉर ही रहने दिया, हॉट वॉर नहीं बनाया। अगर लड़ाई हो जाती, अगर वॉर हो जाती तो ये कोल्ड वॉर नहीं, हॉट वॉर कहलाता। बट इसी वजह से इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, क्योंकि ये लड़ाई होते होते रह गई। तो इसके बारे में और जानते हैं, दो मेन फीचर्स और आते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, जिसने इस कह सकते हैं इस टाइम पीरियड को कोल्ड वॉर ही रहने दिया, हॉट वॉर नहीं बनाया। अब वो बातें क्या थी, लॉजिक ऑफ डिट्रोइंस, इसका क्वेश्चन हमेशा आता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपसे जब भी कोई पूछे लॉजिक ऑफ डिट्रोइंस क्या है, तो आप ये बताएंगे कि इन लॉजिक ऑफ डिट्रोइंस, लॉजिक ऑफ डिट्रोइंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी विनर का ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता। अगर अमेरिका ने यूएसएसआर पे हमला किया होता तो यूएसएसआर के पास भी बॉम्ब थे, वो भी अमेरिका पे हमला करता, तो बेसिकली दोनों ही ख़त्म हो जाते, तो बचता कौन, दोनों की इकोनॉमी ख़त्म होती, दोनों की मिलिट्री पावर ख़त्म होती, तो विनर ही नहीं रहता। तो लॉजिक ऑफ डिट्रोइंस का मतलब था कि जो वॉर को स्टॉप करना, तो आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि लॉजिक ऑफ डिट्रोइंस का मतलब ही यही है कि वॉर को ख़त्म करना, क्योंकि अगर वॉर हुई तो दोनों ही देश नहीं बचेंगे, तो फिर क्या ही बचेगा। जब दोनों देश नहीं रहेंगे तो कौन विनर है, कैसे तय किया जाएगा, राख से तो पता नहीं लगाया जाएगा कि ये विनर है। और सेकंड फीचर्स था मिलिट्री फीचर। अब मिलिट्री फीचर्स क्या था कि वो कहता था कि दोनों को रैशनल रहना पड़ेगा, मतलब सही तरीके से, ये नहीं कि गलती से किसी ने बॉम्ब लॉन्च कर दिया या कुछ कर दिया, नहीं, रिस्पॉन्सिबल और रैशनल, ये दो चीज़ें थी जो मिलिट्री फीचर्स में थी, कि आपको अपनी मिलिट्री को रिस्पॉन्सिबल और रैशनल रखना है, आपको अपनी कंट्री को रैशनल और रिस्पॉन्सिबल रखना है, कि गलती से भी कुछ ऐसा ना हो जो एक अनहोनी में बदल जाए। तो ये दो फीचर्स थे जिन्होंने इसको कोल्ड वॉर ही रखा, हॉट वॉर नहीं बनने दिया। अब नाउ हमने अपना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कंप्लीट कर लिया, नाउ वी विल मूव ऑन टू द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, क्योंकि लॉजिक ऑफ डिट्रोइंस ने और मिलिट्री फीचर्स ने उनकी सिर्फ वॉर ख़त्म की थी, राइवलरी नहीं, वॉर ख़त्म की थी, वॉर नहीं हुई थी, वॉर को कोल्ड ही रहने दिया था, हॉट नहीं बनाया था, बट उनके बीच की जो दुश्मनी थी, उनके बीच की जो राइवलरी थी, वो ख़त्म नहीं की गई थी। द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, अब वर्ल्ड को दो पावर ब्लॉक्स में, जो दो सुपर पावर्स थी उसमें बटने की क्या एमरजेंस पड़ गई। अब टू पावर ब्लॉक्स कौन से थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब इन्होंने क्या करा, वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की। अब जब ये दो सुपर पावर थे तो ये दूसरी कंट्रीज़ को अपने में मिलाना चाहते थे, ताकि ये स्ट्रांग बने रहें, लोगों का समर्थन मिले। जैसे कि आप अगर एग्जांपल ले लो कि आप दो दोस्त हो, अगर दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है तो आप अपने कॉमन फ्रेंड्स को अपनी साइड करना चाहते हो ना, इसी तरीके से ये जो दो थे, इन ये इनके बीच में जब आइडियोलॉजी का फ़र्क आया तो ये चाहते थे कि लोग उनकी तरफ आए। सो यूएसए क्या था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके चलता था, उसने नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो की स्थापना करी 1949 अप्रैल में। इसमें 12 कंट्रीज़ ने भाग लिया एंड इसमें पूरा वेस्टर्न यूरोप था, इसलिए इसको वेस्टर्न अलायंस कहते हैं। उस टाइम पे यूरोप क्या था, दो भागों में बट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न में, क्योंकि वेस्टर्न अलायंस के तहत वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के साथ था
और ईस्टर्न यूरोप यूएसएसआर के साथ था, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। तो बेसिकली हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि अमेरिका ने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर नाटो के निर्माण किया, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो कि 1949 अप्रैल में आई। इसमें 12 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और वेस्टर्न यूरोप होने की वजह से इसको वेस्टर्न अलायंस कहा गया। उसी तरीके से दूसरी साइड यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चलता था, उसने इसके अगेंस्ट वॉर्सो पैक्ट करा। वॉर्सो पैक्ट कौन सी ट्रीटी थी जो 1955 में साइन की गई थी। इसमें क्या था, ये इसका लक्ष्य ही यही था कि नाटो को काउंटर अटैक करना, मतलब नाटो को कंट्रोल करना, नाटो के प्रभाव को ना आने देना। इसने ईस्टर्न यूरोप के साथ अलायंस किया, इसलिए इसको ईस्टर्न अलायंस कहते हैं। यूरोप दो भागों में बट गया था, दैट इज वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस। आप देख सकते हैं जो क्रीम पोर्शन है, जो क्रीम कलर के पोर्शन है यूरोप के, ये हमारा यूरोप है, वो अमेरिका के साथ थे, वो नाटो के कंट्रीज थे, वो नाटो के साथ थे। और वहीं ईस्टर्न के तौर पे, ईस्टर्न पे क्या था कि जो कि येलो रंग के आप देख सकते हैं, वो सोवियत यूनियन के साथ थे। तो यूरोप दो भागों में बढ़ गया था, दैट इज ईस्टर्न अलायंस एंड वेस्टर्न अलायंस। सो उसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। तो जब वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बट रहा था, यूएस एंड यूएसएसआर के, तो ये क्यों हो रहा था, दोनों को पावर गेन करनी थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, स्मॉलर स्टेट्स को अपने मिलाने की कोशिश कर रहे थे। यूएसए भी कर रहा था और यूएसएसआर भी कर रहा था, तो वो लोगों को अपने मिलाने की कोशिश कर रहे थे, नाटो और वॉर्सो पैक्ट के तहत वो एक दूसरे से मिला रहे थे। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे और स्मॉलर स्टेट्स उनसे क्यों मिल रहे थे, स्मॉलर स्टेट्स को क्या अर्ज थी कि वो उनसे मिल रहे थे, तो उनके बेनिफिट्स पहले देखते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, अब उनको इस ब्लॉक में जाने से क्या बेनिफिट मिल रहा था, फर्स्ट तो था प्रोटेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली वो सुपर पावर के ब्लॉक में जा रहे तो उनको प्रोटेक्शन मिलती, बिकॉज क्योंकि इन नाटो और वॉर्सो पैक्ट में यही था कि इन इनमें शामिल होने वाले देशों का ये था कि अगर एक पे भी हमला होता है तो बाकी सारे देश ये सोचेंगे कि उन पे हमला हुआ है, वो उसका रिवर्स इफेक्ट एक साथ देंगे, तो किसी भी देश को ऐसा नहीं लगेगा कि उसको अपने जो भी हमला हुआ है उसका जवाब खुद ही देना, बल्कि उसके साथ एक सपोर्ट होगा, तो इनको प्रोटेक्शन मिलती थी। इकोनॉमिक गेन की बाई चांस अगर इनकी इकोनॉमी वीक जाए तो ये लोग इनको फंड या फिर इनको कह सकते हैं कि पैसे लोन देके इनको इनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, उठाएंगे। मिलिट्री सपोर्ट मिलेगा, ऑब्वियसली जब आपकी वॉर होगी, अगर आपकी किसी से वॉर होती है तो ये सब अपने ऊपर समझ के आपको मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। वेपन्स, अगर वॉर होती है तो इनको वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी और सुपर पावर्स इनको वेपन्स भी देंगे। तो ये चार चीज़ें थी जिसकी वजह से स्मॉलर स्टेट्स इन ब्लॉक्स के साथ, अलायंसेस के साथ शामिल होने के लिए रेडी हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सही से देखें, तो जल्दी जल्दी रिविजन करते हैं। दैट इज़ फर्स्ट रीज़न वॉज प्रोटेक्शन, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिलता। सेकेंड इकोनॉमिक गेन था उनको, इकोनॉमिक प्रॉफिट था। थर्ड उनको मिलिट्री सपोर्ट मिलता, एंड फोर्थ उनको वेपन्स मिलते। अब ये तो था बेनिफिट्स ऑफ स्मॉलर स्टेट्स की, वो यूएसए यूएसएसआर के ब्लॉक में जाके उनको क्या मिलता, बट जो सुपर पावर थी उनको इनकी क्या ज़रूरत थी, स्मॉलर जो वीक स्टेट्स हैं इनकी क्या ज़रूरत थी, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ सुपर पावर, फर्स्ट वॉज वाइटल रिसोर्सेज, उनको वाइटल रिसोर्सेज मिलते, जैसे कि ऑयल और मिनरल्स मिलते। तो इन अगर इन जगहों पे वो उनके साथ मिल जाते तो इनके जो वाइटल रिसोर्सेज थे वो उनके भी कहलाते। सेकेंड टेरिटरी, अब इनको टेरिटरी क्यों चाहिए थी, फ्रॉम वेयर देयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स, जहाँ से वो अपने वेपन्स और अपनी टुकड़ियों को लॉन्च कर सकें। थर्ड लोकेशंस, अब लोकेशन क्या है कि लोकेशंस ताकि वो एक दूसरे पे स्पाई कर सके, एक दूसरे को कह सकते हैं ना स्पाई करना, एक दूसरे के चीज़ों को खुफिया तौर से निकालना। जैसे कि ईस्टर्न अलायंस जो है वो वेस्टर्न अलायंस के ऊपर स्पाई करेगा, यानी कि जो नाटो के साथ है वो यूएसएसआर पे वॉर्सो पैक्ट वाले एरियाज़ पे स्पाई करेगा, और जो वॉर्सो पैक्ट में है जो यूएसएसआर के साथ है वो यूएसए के साथ जो नाटो के साथ है उस पर स्पाई करेगा, जासूसी करेगा कह सकते हैं। फिर है फोर्थ है इकोनॉमिक सपोर्ट, अब इनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता सुपर पावर्स को, वो कैसे मिलता, छोटे छोटे स्मॉल कंट्री जो हैं वो एक साथ आके उनको पे करती एज ए रेवेन्यू, वो पे करती और साथ में रहती, तो उनके उनके जो मिलिट्री एक्सपेंसेस थे वो उससे पूरे हो जाते। सो दिस इज़ द थिंग कि वर्ल्ड दो ब्लॉक में बटा, बट पूरा वर्ल्ड नहीं बटा था, अभी भी कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो इन दोनों के साथ नहीं थी। यूएसए को फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, यूएसएसआर को उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड कहा जा रहा था, पर एक थर्ड वर्ल्ड भी थी जो किसी भी अलायंसेस में नहीं थी। आइए उसके बारे में बढ़ते हैं। तो
तो वर्ल्ड तीन भागों में बट गया था, तीन वर्ल्ड्स में बट गया था, दैट इज़ यूएसए अलायंस जो फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया, यूएसए के साथ जितनी अलायंस थी वो फर्स्ट वर्ल्ड में थी, यूएसएसआर के साथ जो अलायंस थी वो सेकेंड वर्ल्ड कही गई, और जो तीसरी वर्ल्ड थी वो थी NAM, NAM, दैट इज़ नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। ये कंट्रीज वो थी जो दोनों के साथ नहीं थी। अब इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। Now we will talk about NAM, that is non-alignment movement. The founders of NAM कौन थे? Yugoslavia के Josip Broz Tito, India के जवाहरलाल नेहरू, Egypt के Gamal Abdel Nasser, Ghana के Kwame Nkrumah and Indonesia के Sukarno. So ये पांच members थे या पांच founders थे नैम के, और इन्हें इनिशिएटिव ऑफ फाइव कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ इनिशिएटिव ऑफ फाइव, तो दैट मींस आपके नॉन अलाइनमेंट की बात हो रही है। और ये हमारा थर्ड वर्ल्ड था जिसने क्या कर रखा था, जिसने ये बोल रखा था कि ना ही हम यूएस के अलायंस में जाएंगे, ना ही हम यूएसएसआर के अलायंस में जाएंगे, बिकॉज ये पांचों कंट्रीज़ वो थी जो ब्रिटिश के कॉलोनियल थी, और ये उसी टाइम पे आज़ाद हुई थी 1947-45 में। इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था, बाकी आसपास में ही आज़ाद हुई थी, तो ये उस टाइम पे अभी अभी आज़ादी की ओर निकली थी, इनकी इकनॉमिक स्ट्रांग नहीं थी, और उसी टाइम पे कोई और इनको आके कहता कि भाई आप हमारे गुलाम बन जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, हम आपके ऊपर राज करेंगे, तो ये उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि अभी अभी तो ये लोग गुलामी से निकले हैं, इसलिए वो किसी ब्लॉक में जाना नहीं चाहते थे। इन्होंने कहा भाई हम नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ हैं, हम किसी एक के ब्लॉक में नहीं जा सकते, हाँ हम सजेशन देंगे, हम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, पर हम किसी के ब्लॉक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हम अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं और हमें अपनी इकनॉमी स्ट्रांग करनी है, हमें थोड़ा तो सांस लेने दो, चैन की सांस, अभी बेचारे आज़ादी मिली है उनको अंग्रेज़ों से, अभी उनको किसी और के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर वो कैसे ही रहेंगे, घुटेंगे। इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि हम नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ हैं, हम किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे, और यही जो था उसको हमने थर्ड वर्ल्ड कहलाया। एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। अब एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर वो होते हैं वो एरियाज जहाँ पे वॉर तो हुई, बट वो इस लिमिटेड वे में हुई कि वो उस क्षेत्र से बाहर नहीं गई। लाइक यूएसएसआर यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर हुई थी, बट जो उसके स्मॉलर स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे जो उनके साथ अलायंसेस में थे, वहाँ पे छोटी छोटी वॉर्स हुई थी, उन वॉर्स को वो वहीं पे दब गई थी क्योंकि वो बाहर नहीं गई थी, वो एक न्यूक्लियर वॉर नहीं बनी थी, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं बनी थी, इसलिए उनको एक अरीनास ऑफ वॉर कहा जाता है, जहाँ पे वॉर बड़े पैमाने पे ना हुई हो, छोटे पैमाने पे ही हुई हो। अब इसके बारे में और पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ पे हुई थी। ये हैं हमारे छह एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर। दैट इज़ फर्स्ट इज़ कोरियन वॉर जो 1952-1953 तक चला था, अफगानिस्तान वॉर जो 1979-1989 तक चला था, वियतनाम वॉर दैट वाज 1954-1975, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को आप जानते हैं जो 1962 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था 1948-1949 के बीच में हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, बर्लिन दो भागों में बट गया था, ईस्टर्न बर्लिन एंड वेस्टर्न बर्लिन। ईस्टर्न बर्लिन सोवियत यूनियन के सपोर्ट में था, वेस्टर्न बर्लिन यूएसए के सपोर्ट में था। अब सोवियत यूनियन चाहता था कि वेस्टर्न बर्लिन भी ईस्टर्न में शामिल हो जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा था, तो उसने क्या करा, ईस्टर्न बर्लिन को वेस्टर्न बर्लिन से अलग करके ब्लॉक कर दिया, जिस तरीके से वेस्टर्न बर्लिन को खाने का सामान या कुछ ना मिल सके, वो इकोनॉमिकली वीक हो जाए और सोवियत यूनियन में मिल जाए। बट अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पे एयरलिफ्ट किया, हर 30 सेकंड्स में जहाज़ आता था और खाने का सामान देके जाता था, हर 30 सेकंड्स में अमेरिका एक जहाज़ भेज रहा था वहाँ के लोगों की हेल्प के लिए, दैट्स वाई वो अमेरिका से अलायंस में थे। सिक्स्थ है कॉन्गो जो 1960s में हुआ। आपको इन सब एरिनास के बारे में डीपली नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको इसके नाम याद रखने और कित कौन से ईयर में हुए थे वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर के जब भी क्वेश्चन आएगा आपको उसके डेट्स लिखनी पड़ेंगी विद नेम। जो ये अरीनास चल रहे थे कोल्ड वॉर के, अब इससे यूएसए और यूएसएसआर को क्या लगने लगा कि जिस तरीके से इसमें लिमिटेड वे में वॉर हो रही थी ना, उनको लग रहा था कि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे, इन वॉर से देख के उनको यही पता लगा कि वो ऐसे ही लड़ते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि यूएसएसआर और यूएसए की भी लड़ाई सच में ही हो जाएगी और वो वर्ल्ड वॉर जो नहीं होना था वो भी हो जाएगा। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बन के, रैशनल बन के कुछ डिसीजन लिए, कुछ ट्रीटीज साइन करी। अब उनमें से क्या क्या थी वो हम आपके आगे पढ़ते हैं।
सो बेसिकली यूएसए एंड यूएसएसआर को जब इन एरिनाज ऑफ वॉर देख के लगा कि ये वॉर जो है वो फैलती जा रही है, अगर वो फैल जाएगी लिमिटेड वे में है तब तक ठीक है, बट अगर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में हो गई तो ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा थ्रेट था। तो उन्होंने आर्म्स कंट्रोल के लिए सोचा, उन्होंने ट्रीटीज साइन करी जिसमें से 3 ट्रीटीज थी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी जिसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो उसको लिमिटेड टेस्ट बैन, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको टेस्ट करना पड़ता है तो लिमिटेड करेंगे उसको, और वो भी होगा तो अंडर वाटर, अंडरग्राउंड या फिर स्पेस में किया जाएगा। दूसरा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो प्रिवेंट करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड होने में। थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जिसमें मतलब जब मिसाइल चल जाती है गलती से भी अगर कोई आर्मी फोर्स चलाएगा या कुछ भी चल जाती है गलती से होगा तो कैसे पता चलेगा यूएसएसआर को कि यूएसए ने इसे वॉर के लिए नहीं चलाया जब बल्कि गलती से चलाया, तो वो क्या करते हैं एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी के अकॉर्डिंग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाते हैं जो हवा में ही उस मिसाइल्स को काउंटर अटैक करके ख़त्म कर देगी। चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी, बायपोलैरिटी से क्या चैलेंज थे, मतलब बायपोलैरिटी से मतलब थे दो पोल, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। अब उनको चैलेंज करने के लिए तीसरा आ गया था, वो था नैम, जिसे हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। टू चैलेंज बायपोलैरिटी देर वॉज अ थर्ड वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एंड इट हैज 5 कंट्रीज लाइक यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना एंड इंडोनेशिया, जो 5 इनिशिएटिव उसके कहलाते हैं। अब उसमें क्या हुआ था कि नैम बहुत पॉपुलर होता जा रहा था, तो न्यूली रिकग्नाइज कंट्रीज उसमें ऐड हो रही थी, लाइक लैटिन अमेरिका की, एशिया की, अफ्रीका की, जो कंट्रीज जो न्यूली रिकग्नाइज हुई थी ब्रिटिश से वो उसमें ऐड हो रही थी, क्योंकि वो भी आज़ाद होकर किसी अलायंस में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो नैम के साथ जुड़ रही थी। और जैसे जैसे नैम की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसका फर्स्ट सबमिट हुआ वो हुआ बेलग्रेडे में 1961 में, जिसमें 25 स्टेट्स ने भाग लिया, और इसके बाद उसके स्टेट्स की संख्या बढ़ती चले गई। बट इसी के साथ साथ नैम के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लगने लगे, लोग उसके प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन मार्क लगाने लगे कि नैम अलायंसेस में नहीं जाना चाहता था, किसी भी अलायंसेस में लाइक यूएसए या यूएसएसआर के, दोनों के अलायंसेस में नहीं जाना चाहता, पर वो खुद भी वही कर रहा है जो यूएसए और यूएसएसआर कर रहे हैं, लाइक यूएसए यूएसएसआर अपने में अलायंसेस मिला रहे हैं, अपने में मेंबर्स बढ़ा रहे हैं, उसी तरीके से नैम भी अपने मेंबर्स बढ़ा रहा है, तो एक तरीके से वो भी अलायंस कर रहा है। तो नैम के जो प्रिंसिपल्स थे उस पर क्वेश्चन मार्क लगने लगे। अब नैम ने उसको कैसे क्लियर किया, आप आगे पढ़ते हैं। ओके, सो नैम पे क्वेश्चन मार्क हो रहा था दैट दे आर बिकम लेस होमोजीनियस, और अलायंसेस जो कर रही हैं यूएसए यूएसएसआर सेम वही कर रहा है। सो नैम ने अपने आप को क्लियर करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट बोले कि वी आर नॉट फॉलोइंग दीज 2 पॉइंट्स विच अलायंसेस आर फॉलोइंग, दैट इज आइसोलेनिज्म, दैट इज मीनिंग ऑफ आइसोलेनिज्म इज रिमेनिंग अबोव फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर से दूर रहना, हम वर्ल्ड अफेयर से दूर नहीं हैं, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम स्टैंड लेंगे, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम नेगोशिएशन करवाएंगे, सजेशन देंगे। सेकेंड न्यूट्रैलिटी, न्यूट्रल क्या होता है, स्टेइंग आउट ऑफ वॉर, ऐसा भी नहीं है कि हम वॉर से बाहर रहेंगे या हमारी कंट्रीज किसी भी वॉर से बाहर रहेगी, नॉट इन्वॉल्विंग इन वॉर एंड नॉट टेकिंग एनी पोजिशन इन वॉर, नहीं, कई NAM कंट्रीज में, NAM कंट्रीज में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज में वॉर हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उन पर कोई हमला करेगा तो वो वॉर नहीं करेंगे या उनको अपने हक के लिए लड़ना नहीं है, पर वो किसी अलायंस में नहीं जाना चाहती, और यही डिफरेंस है, ये 2 पॉइंट का डिफरेंस है जो अलायंसेस से NAM को अलग करता है। सो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर दैट इज NIEO कैसे आया, जब जो नैम की कंट्रीज़ थी उनको कैटेगराइज किया गया था लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, बिकॉज वो सारी रिकॉग्नाइज कंट्रीज़ थी, अभी अभी आज़ाद हुई थी तो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, सो उसके लिए इसको लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, वो दूसरों के मामलों में सजेशन दे सकती थी पर उनका खुद के भी तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, और उनमें से एक था उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, इसलिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD ने 1972 में एक रिपोर्ट
आए जो कि फॉर ट्रेड पॉलिसीज थी LDCs के लिए। अब इस रिपोर्ट में चार रिफॉर्म्स के बारे में बोला गया था। चार रिफॉर्म्स क्या थे? कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके खुद के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे उनका खुद का कंट्रोल हो, कोई और बाहर की पावर उस पे कंट्रोल ना करे। जैसे कि पहले कॉलोनाइजेशन में क्या था कि जो देश उसको कॉलोनाइज करता था उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहता था, बट नहीं, अब उनके लैंड का, उनके मिनरल्स का, उनके नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल उन्हीं के ऊपर था। सेकेंड, एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स, उनको वेस्टर्न मार्केट में एक्सेस दिया गया ताकि वो वेस्टर्न मार्केट्स में अपने गुड्स एंड प्रोडक्ट्स को सेल कर सके, ताकि अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर सके। थर्ड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब उनको प्रोडक्शन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए थी वो वेस्टर्न मार्केट से मिलती और उसके कॉस्ट को कम किया गया ताकि वो उनको आसानी से प्राप्त हो सके और वो अपना मैन्युफैक्चर शुरू कर सके। फोर्थ, ग्रेटर रोल इन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, उनको इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल देना, उनके लिए उनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना, हेल्प करना हर तरीके से। ये चार रिफॉर्म्स थे जो LDCs यानी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उठाए गए। इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, हर चैप्टर के बाद हम ये पढ़ेंगे कि इंडिया का उससे क्या रिलेशनशिप था। तो कोल्ड वॉर से इंडिया का रिलेशनशिप क्या था? इंडिया के दो रिस्पॉन्सेज थे कोल्ड वॉर की तरफ। पहला, स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस, किसी भी अलायंसेस से दूर रहना, चाहे वो USA की हो या फिर USSR की हो, अलायंसेस से दूर रहना। दूसरा, रेजिंग वॉइस फॉर न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज, जो न्यूली डिकोलोनाइज कंट्रीज है, जो नई नई आज़ाद हुई हैं कॉलोनाइजेशन से, उनके लिए आवाज़ उठाना ताकि उनको कोई अलायंसेस में मिला ना सके, वो अपने लिए अपना एक स्टैंड लें, स्ट्रॉन्ग बने और काम करें। अब इनकी पॉलिसीज थी, तीन पॉलिसीज क्या थी? पहली थी नाइदर आइसोलेटेड, ना ही उनको अलग हो जाना है एकदम से, कि मतलब दुनिया से दूर हो जाना, दुनिया के अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। और सेकंड, नॉर न्यूट्रल, ना ही न्यूट्रल होना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होगी, वॉर नहीं होगी, नैम कंट्रीज में अगर न्यूट्रल होंगे तो नहीं, हम लड़ाई से दूर नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर लड़ भी सकते हैं और हुआ भी है काफ़ी नैम कंट्रीज़ में। थर्ड है, हैव्स टू रिड्यूस टेंशन बिटवीन कंट्रीज, इंडिया की हमेशा से ये पॉलिसी थी नैम कंट्रीज होने के बावजूद भी कि वो कंट्रीज़ के बीच के टेंशन को दूर करें। नॉन अलाइनमेंट कंट्री होने का ये मतलब नहीं था कि वो वर्ल्ड अफेयर से दूर है या उसको नेगोशिएट ना कर पाए, इसको उन्होंने प्रूफ भी किया था जब जवाहरलाल नेहरू ने नेगोशिएट किया था कोरियन वॉर में, जो 1950 से 1953 तक की कोरियन वॉर चली थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने उनको नेगोशिएट किया था। इंडियन डिप्लोमेट्स ने भी नेगोशिएशन करके फुल स्केल वॉर बनने से रोक दिया गया था, छोटी छोटी जो एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर थे वो बड़ी वॉर नहीं बन पाए। इसके मेन कारण ये भी है कि इंडिया और नैम कंट्रीज ने नेगोशिएट किया था। इंडिया फॉलो नैम पॉलिसीज, इंडिया नैम की पॉलिसीज को फॉलो करती थी। तो अब इंडिया का क्या बेनिफिट था नैम कंट्री होने के नाते, मतलब अगर इंडिया नैम कंट्री है तो कुछ तो उसको बेनिफिट होगा ना। तो इसके दो बेनिफिट थे, पहला तो इट अलॉट इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजन एंड स्टांसेस, नैम कंट्रीज होने के नाते इंडिया को ये इंटरनेशनल डिसीजन अपने खुद के लेने के लिए, अपना स्टैंड लेने के लिए अलाउंस मिली, ना कि सुपर पावर्स के लिए, जो भी वो अपने लिए करता है उसका बेनिफिशियल इंडिया को मिलता, ना कि किसी सुपर पावर को। तो इंडिया अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए खुद से स्टैंड लेने लग गया था, इंटरनेशनल डिसीजन लेने लग गया था। सेकेंड जो था, इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर, इफ़ इंडिया फेल्ट इग्नोर्ड और अनड्यूली प्रेशराइज बाई वन सुपर पावर इट कुड टिल टूवर्ड्स द अदर, नो बडी टेक्स इंडिया फॉर ग्रांटेड, यानी कि इंडिया जो था वो दोनों सुपर पावर्स के बीच में बैलेंस बना सकता था क्योंकि वो नॉन अलाइनमेंट कंट्री थी, तो और रशिया और USA दोनों उसके दोस्त थे, तो वो कभी भी अगर कोई कंट्री, अगर रशिया उसको इग्नोर करता या प्रेशराइज करता तो वो USA के पास जा सकता था, और USA अगर उसको प्रेशराइज करता या इग्नोर करता तो वो रशिया के पास जाता था। और इसी कारण से इंडिया को कोई भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेता था, क्योंकि बाकी नैम कंट्रीज़ में, छोटे छोटे स्टेट्स में ऐसा कुछ नहीं था, बट नैम कंट्रीज़ में इंडिया का ऐसा था कि वो दोनों के पास जा सकता था, बिकॉज उसने नेगोशिएशन ही इतनी कर रखी थी। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन नैम पॉलिसी, अब इंडिया एक नॉन अलाइनमेंट कंट्री थी, नैम की मेंबर थी, तो उसको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा। क्यों उस पर आरोप लगे? पहली बात तो अनप्रिंसिपल्ड, उसको अनप्रिंसिपल्ड कहा कि जो इंडिया अपनी प्रिंसिपल्स को
फॉलो नहीं करता, वो कहता है अलायंसेस में मत जाओ किसी भी यूएसए या यूएसएसआर के, बट वो खुद ही मेंबर्स बना रहा है। सेकंड, इन द नेम ऑफ सर्विंग नेशनल इंटरेस्ट इंडिया समटाइम्स डिड नॉट टेक फर्म स्टैंड ऑन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशूज, कि नेशनल तौर पर अपने स्टैंड लेने के चक्कर में कई बार इंडिया ने इंटरनेशनल स्टैंड नहीं लिया, इंटरनेशनल इशूज को ध्यान नहीं दिया, जबकि गलत है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने कोरियन वॉर में नेगोशिएशन किया था, इंडियन डिप्लोमेट्स ने कोल्ड वॉर में नेगोशिएशन किया था। थर्ड, इंडिया वॉज इनकंसिस्टेंट एंड टेक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर, इंडिया क्या है, जो कहता है वो करता नहीं, इनकंसिस्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी यूएसएसआर के साथ इन अगस्त 1971, अब ये क्यों की थी। इंडिया ने इस पॉइंट को बताने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए अपने पॉइंट्स रखे। पहला तो उसने क्लियर किया कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर आर साइंड फॉर मिलिट्री एड एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश वॉर इन फॉर्म ऑफ हेल्प, कि जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी यूएसएसआर के साथ जो 1971 में की गई थी, वो एक हेल्प थी, जो इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था तो बांग्लादेश वॉर हुई थी, तो बांग्लादेश वॉर में इंडिया को मिलिट्री एड की हेल्प थी, तो उसने यूएसएसआर से ये ट्रीटी साइन की थी, हेल्प मांगी थी। सेकेंड, इट डजेंट मीन दैट इंडिया हैज़ ज्वाइंड यूएसएसआर एंड बिकेम राइवल ऑफ यूएसए, और उसने सेकेंड पॉइंट ये बताया कि मैंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया यूएसएसआर के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यूएसएसआर के अलायंस में आ गया हूँ और यूएसए से राइवलरी हो गई है, जी नहीं, इंडिया हैज़ गुड रिलेशन विद यूएसए, इंडिया का रिलेशनशिप जो है यूएसए के साथ बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद नैम ने थोड़ी अपनी पॉपुलैरिटी आफ्टर कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो नैम की जो पॉपुलैरिटी ना धीरे धीरे ख़त्म होने लगी, क्योंकि क्रिटिसिज्म इतना हो रहा था कि धीरे धीरे फेड होने लग गई। Thanks for watching. I hope you will understand all the aspects about the Cold War and non-alignment countries and the two superpower blocs, that is USA and USSR. So subscribe to our channel for more details and more updates of the video, so you get updated by our videos and knowledge. So stay at home, be safe, study well. Bye. Take care.